और मेरे ख्याल में पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और बाबर आजम उसकी टीम ने जो अचीवमेंट है बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वर्ल्ड नंबर वन आना और बाबर की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, टीम परफॉर्मेंस। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल तैयार है, और पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह इंडिया की सरजमीन में एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी सारे प्लेयर्स के साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस और एज अ टीम इंशाल्लाह मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत उम्मीद से भी इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा करके आएगी। ये तो पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए था, कप्तानी का इशू ही खत्म हो जाता तो आप वर्ल्ड कप तक बाबर को कैसे कप्तान अनाउंस कर देते, इशू खत्म हो जाता। वो अपने एक एक प्लान के तहत अच्छी बात है जब अनाउंस कर दिया। अब बाबर को जो है वो ये है कि अपने जो भी एक दो एरियाज मुझे जो नजर आ रहे हैं उस पे काम करके टीम को पूरी तरह पूरी तैयारी के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कप्तान को इंडिया जाना चाहिए। मैं हमेशा मेरा इस चीज पे बिलीव है कि अपने आप को पांव पे इतने तगड़े तरीके से खड़ा करो कि आप दूसरों को आंखें दिखा सको। एशिया कप अलग है, आईसीसी का इवेंट अलग है, वो मना करना मुश्किल हो जाएगा, जाना चाहिए, वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। फ्यूचर तो क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन किसको कप्तान और किसको वाइस कप्तान लेके चलता है, लेकिन फ्यूचर को सामने रखते हुए डिसीजन ले, कल परसों का डिसीजन ना ले, साल दो साल की प्लान के हिसाब से डिसीजन होते हैं। मुझे नहीं पता वो शाहीन को बनाएगा रिजवान को बनाए, लेकिन एज ए सीनियोरिटी के तौर पे हमें देखना चाहिए, आप चाहे वो रिजवान को बनाते हैं, शादाब को बनाते, किसी को भी बनाते हैं, पहले है कि मेरे ख्याल में तो वाइस कप्तान अनाउंस करने की जरूरत ही नहीं है, एक कप्तान है उसी का दिमाग पर उसी का जहन बना के रखे और उसी को खेलने में।